वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन स्लिप के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम अपने असाइनमेंट सबमिट करने अपने स्टडी सेंटर पर जाते हैं और जिन सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट हम अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं, उसके लिए हमें एक हैंड रिटन स्लिप बनानी होती है जिसमें हमें अपनी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल फिल करनी होती है। और वो स्लिप आपके तब यूज में आती है अगर आपके असाइनमेंट किसी कारण मिसप्लेस हो जाएं और उनके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में ऐड ना हो। तो सबसे पहली बात की ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करें तो सबमिट करने के दौरान आप असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट को अपने हाथ से प्रिपेयर करें और उसको असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अपने स्टडी सेंटर पर वेरीफाई कराएं, उसमें उनसे सिग्नेचर और साथ में स्टैंप लगवा कर ये क्लियर कर लें कि आपने किन किन सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट किए थे। बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट किस डेट पर और कहां पर सबमिट किए हैं। तो उसके लिए आपको एक हैंड रिटन स्लिप बनानी होगी। और उस स्लिप कैसे बनानी होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, आज वही सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें असाइनमेंट सबमिशन स्लिप में ऐड की जाएंगी। सबसे पहले आपको इस स्लिप में अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। देन एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना होगा। एनरोलमेंट नंबर आप सबसे ऊपर लिखें बिकॉज एनरोलमेंट नंबर के थ्रू ही आपके असाइनमेंट्स और आपकी सारी डिटेल्स उसमें ऐड होती हैं, तो इसलिए एनरोलमेंट नंबर सबसे ऊपर आएगा। देन उसके बाद आपका नाम आएगा। देन नीचे आएगा प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड यानी कि आपने कौन से कोर्स में इग्नू में एडमिशन ले रखा है। मान लीजिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो प्रोग्राम में आप बीए लिखें या बीडीपी लिखें, या अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें एमए वगैरह जो भी आपका प्रोग्राम कोड है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। प्रोग्राम कोड के बाद आता है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड में आपको वो सभी सब्जेक्ट के कोड लिखने होंगे जिन सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर पर अपने एग्ज़ाम के लिए सबमिट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप दो या तीन असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उन तीनों का आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी लाइफ साइंस से कर रहे हैं तो आप उसमें LSC 1, LSC 2, LSC 3 इन सभी के असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड में LSC 1, LSC 2, LSC 3 इस तरह से अपने सब्जेक्ट कोड मेंशन करने होंगे। देन उसके बाद आता है असाइनमेंट सबमिशन डेट। आपको वो डेट मेंशन करनी होगी जिस डेट पर आप अपने स्टडी सेंटर पर जा रहे हैं और जिस दिन आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। नीचे आएगा आपका स्टडी सेंटर का कोड कि आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है, और साथ ही साथ उसके नीचे आएगा स्टडी सेंटर नेम कि आपके स्टडी सेंटर का नाम क्या है, आपने किस स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। सो ये सभी चीज़ें आपको असाइनमेंट सबमिशन स्लिप में मेंशन करनी होगी। इसका फ़ायदा आपको ये होता है जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको इन फ्यूचर अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इन केस आपका असाइनमेंट मिसप्लेस हो जाता है या उसके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं होते हैं, देन आप इस स्लिप को ले जाकर अपने स्टडी सेंटर पर शो कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपने इन सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट किए थे और बट अभी तक उनका असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस शो नहीं हो रहा है और ना ही उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पर आपका स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को फाइंड आउट करेगा और अगर किसी मिस्टेक से आपके मार्क्स नहीं ऐड हुए हैं तो उसको वो ठीक करेगा और आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में ऐड कर देगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट का ही छोटा सा प्रोसेस है अगर आप असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं तो। इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।